नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नई कहानी करेंगे। हमारी कहानी का नाम है शेर और चूहा। तो शुरू करें। एक किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो शेर खाना खाने के बाद सो गया। तभी वहाँ एक चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसने शेर को सोते हुए देखा। शेर को सोता हुआ देखकर चूहे के मन में एक शरारत सूझी और वो शेर की पूंछ के ऊपर चढ़ गया। कभी उस शेर की पीठ के ऊपर कूदने लगा। यह सब देखकर शेर की नींद खुल गई और शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसने शेर ने चूहे को कहा कि चूहे, तूने मेरी नींद खराब की है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर चूहा बहुत डर गया और वो शेर को बोलने लगा, शेर महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद दोबारा नहीं करूंगा। अगर आप मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं कभी ना कभी आपके दोबारा काम आऊँगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन वो शेर जंगल में घूमने निकला। वहाँ पर कुछ शिकारियों ने जाल बिछा रखा था शेर के लिए और वो जैसे ही शेर उस जाल के पास पहुँचा, वो शेर उस जाल में फंस गया। शिकारियों ने चूहे शेर को जाल में फंसाकर पेड़ पर टांग दिया और शेर को लाने के लिए गाड़ी लेने चले गए। वो शेर बहुत चिल्लाया कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी उस शेर की आवाज़ उस चूहे ने सुन ली।